ये वाला बोर्ड आया बस ठीक है भैया. So remember, we started our discussion with irreversibility, and I think one thing maybe which needs some clarity was this example. यहाँ पे आपको याद होगा ना कि मैं ये कह रहा था कि area कितना होना चाहिए, time कितना होना चाहिए. So ये question जब आप answer करते हो, you need to have a goal. इसलिए मैं कह रहा था. नहीं नहीं बहुत class full हो चुकी है. याद देखना ये. अच्छा इसमें यह है ना कि आपके जिस तरह कह रहे आप कोर्स से पहले गोल सेट कर रहे हैं कि आपका गोल क्या है. यहाँ पे अगर आपका गोल ये है कि मैंने क्लास में ना एक दफा हमें जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम लेता था, चलो आप आ जाए आपके गुरु ने, तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग वाला टीचर पढ़ाता था, वो आके ना उसने नोट्स नोट्स बनाए होते और वो उन्हीं नोट्स से लिख रहा होता था. मैं एक दफा बोर हो गया, मैंने कहा सर ये आप लिख रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं सही. अच्छा ये लॉक कर दो ठीक है, ये बंद नहीं हो रहा ना. चलिए अच्छा उनका ख्याल ये था कि बस ये जो है ना पतली गली से पिछली गली या पतली गली आपकी वजह से ना मुझे प्रॉब्लम होगी. कैन दिस बी एन इशू रेज्ड बाय समवन? इंसान की सफाई पूरी करें बताने आप मुझे जान नहीं आप बताओ तो मैंने सर से पूछ लिया ना कि ये आप चीजें लिख रहे हैं कुछ उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए कि क्या व्हाट डज इट मीन ये वो है ना, तो उसके नोट्स एक्सट्रैक्ट कर दिया. वो कहते हैं कि जब जब ही एक्चुअली वांटेड टू कॉर्नर मी ठीक है इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो कह रहा है कि कुरान में जो है ना ये चालू इसको कर देता हूँ चालू इसको बात करते हैं. He is the key man. ना करे यार क्या अब अगर आप एक डबल तो वो कह रहे हैं सब क्लास को ना मुझे छोड़ के मुझे कहता है सब कह रहे हैं कि कुरान में जब अल्लाह ने हुक्म किया ना बनी इसराइल को क्या वो गाय आपका गाय का बाप है गाय जबा करो ना, वो एक मर्डर हुआ था उसको पता करने के लिए किसने किया है, तो कहता है अगर वो चाहते तो वो किसी भी गाय को उठा के वो दबा कर लेते. तो कहते हैं इस तरह सवाल जवाब शुरू कर देते गाय कौन सी हो कलर क्या हो और वो जो है ना वो जवान हो और पुरानी हो नहीं हो. कहता है उनको गाय पर सोने में मिल गई ना वो सोने में तोल के. तो कहते हैं जब इस तरह के सवाल आप करेंगे ना तो पेपर भी उसी तरह बनेगा, तो आप सोच लें. तो अब मुझे समझ आ गई ना कि यार इसके बाद मैंने सवाल किया तो ये तो चला जाएगा स्टूडेंट से मुझे मारना क्योंकि पेपर तो मेरे वजह से मुश्किल आएगा ना. तो ये चाबी का कंसेप्ट जो है ना वो मेक श्योर कि किसी को पता ना चले ये आइडिया आपका था. अच्छा यहाँ पे गोल गोल क्या है ये तय करेगा कि टाइम और एरिया कितना होना चाहिए. अगर हमारा गोल ये है कि हीट ट्रांसफर होनी नहीं चाहिए याद होगा ना इनसिग्निफिकेंट हीट ट्रांसफर सो दैट यू कैन इग्नोर इट, तो फिर एरिया को भी कम होना चाहिए और टाइम को भी उसको टाइम भी नहीं मिलना चाहिए. अब इस गोल को आप चेंज करें गोल का भी चेंज करें कि हीट ट्रांसफर आपको चाहिए फॉर सम रीजन यू डू नीड दैट हीट ट्रांसफर, जिसका मतलब यह है कि वो इग्नोर वाली बात खत्म हो गई ना. अब आप किस चीज को मिनिमाइज करना चाहते हैं इररिवर्सिबिलिटी ठीक है. अब इररिवर्सिबिलिटी का सोर्स क्या है कल अगर आपको लेक्चर याद है इररिवर्सिबिलिटी का सोर्स है कि व्हेन समथिंग हैपेंस स्पॉन्टेनियसली जब हो जाए तो वो रिवर्स नहीं हो सकता. अब स्पॉन्टेनियस की रीजन क्या है टेम्परेचर difference
इसका मतलब यू विल मिनिमाइज द टेम्परेचर डिफरेंस. तो आप जब टेम्परेचर डिफरेंस को बहुत कम करेंगे और हीट ट्रांसफर आपको फिर भी चाहिए, गोल चेंज होगा ना, हीट ट्रांसफर हमें चाहिए एंड वी स्टिल वॉन्ट दैट टेम्परेचर डिफरेंस टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट इज लेस एंड लेस इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबिलिटी को आप खत्म नहीं कर सकते. तो उसके लिए एरिया कितना चाहिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको हेल्प नहीं कर रहा. और टाइम कितना चाहिए? बहुत ज्यादा. सो कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड बिकॉज इन द टॉपिक्स दैट आर कमिंग वी विल नीड दिस हीट ट्रांसफर एंड वी वुड स्टिल लाइक द प्रोसेस टू बी नियरली इरिवर्सिबल. तो उस केस में हम फिर ये एग्जांपल करेंगे. ठीक है, नाउ आई कैन गेट बैक टू दिस. So this is, I think, the last example. वो जो list उसने बताई हुई थी ना, उसके अलावा ये मेरे ख्याल में उसमें friction नहीं था ना, या था उस list में? इस list में friction नहीं था, या था? हाँ, ये है. ठीक है, sliding friction, the one you are used to, as well as friction in the flow of fluids. तो इसके एक example है. और इसमें जो चीज इंटरेस्ट वो देखने वाली है, वी विल गो फॉर सिंपलीफाइड मॉडल. सो फॉर सिंपलिसिटी वी आर लुकिंग एट अ पाइप व्हिच हैज अ कांस्टेंट डायमीटर एंड लेट्स से दिस सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट. ठीक है, टू सिंपलीफिकेशंस ताकि डिस्कशन थोड़ी सी मीनिंगफुल हो जाए, वरना डिटेल यूज टू मच डिटेल. तो अब इस स्टेडी स्टेट में आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो है एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, ये रहेगा यू प्लस पी वी टर्म हो जाएगा. और ये आई सबके साथ लगेगा, आई मीन्स इनलेट और ई मीन्स एग्जिट. सो यू रिमेंबर यू प्लस पी वी जिसको आप एंथाल्पी भी कहते हैं, फिर वी स्क्वायर ओवर टू प्लस जी जी. सो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्पेसिफिक एंथाल्पी. ठीक है, एंड द सेम एट द आउट द एग्जिट और आउट. तो अब हम assumption और ये कर रहे हैं कि इस दौरान कोई टॉर्क नहीं है, कोई मोटर नहीं चल रहा, कोई यूनिट रेजिंग और कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही है. ठीक है ना, वो सारी चीजें. सो जो आपका वर्क है वो क्या है, वर्क ट्रांसफर क्या है, जीरो है. अच्छा, दिस और नीचे सीवी क्यों लिखा हुआ है कि वो सारे वर्क ट्रांसफर जो फ्लो के अलावा, क्योंकि फ्लो वर्क इसमें शामिल है. रिमेंबर दिस पीवी टर्म वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, नॉर्मली वी जस्ट हैव डब्ल्यू डॉट. उस डब्ल्यू डॉट से हमने क्या कर दिया, वो कंट्रीब्यूशन जो कि फ्लो की वजह से है, क्योंकि फ्लो की तो वर्क चाहिए ना, फ्लो वर्क के बारे नहीं हो सकता. ठीक है ना, सो द प्रेशर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, जिसको हमने पी वी टर्म किया. तो एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्क इज जीरो एंड लेट्स अस्यूम कि इंसुलेशन इनफ है, तो ये क्यू डॉट भी जीरो है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो इरिवर्सिबिलिटी आएगी वो हीट ट्रांसफर की वजह से नहीं आएगी, उसको हम इग्नोर करना है. गोल चेंज हो गया ना हमारा, वो वाला गोल नहीं है, वो किसी और एग्जांपल में आएगा. सो अब हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी कहां से आएगी, आप गेस करें. हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा ना, इसका मतलब पाइप के साथ जब ये फ्लूइड इंटरेक्ट करेगा तो इसके फ्लूइड और वाल जो पाइप के वाल्व है उनके दरमियान क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा. और वो फ्रैक्शन मैक्सिमम उधर होगा और सेंटर पे मिनिमम होगा. और आप बताए लेयर्स, यू हैव यू कैन सी द फ्लूइड एज लेयर्स. ठीक है ना, सो ऑल दोज लेयर्स विल बी एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दिस फ्रैक्शन. वो सिर्फ ये नहीं है कि वॉल के साथ. ठीक है ना, सो द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर, सेकंड लेयर. आपको याद होगा हमने बीएमई में पढ़ा हुआ था. ठीक है ना, वो जो ड्रैग फोर्स हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ड्रैग फोर्स इसी वजह से आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग लाइक दैट विल हैपन. और आप उसको एनालाइज करने का आसान तरीका है कि इफ यू राइट द एनर्जी बैलेंस, तो रिमेंबर दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. स्टेडी स्टेट में हम इसको जीरो कर लेंगे, हीट ट्रांसफर और ट्रांसफर जीरो, तो उसको जीरो कर दिया. यू आर लेफ्ट जस्ट विद दीज टू टर्म्स. सो अगर आप एम डॉट, अब पता है कि एम डॉट टू सेम है ना, पानी ये जो मास है वाटर का, इधर तो नहीं जा रहा, लीकेज भी नहीं है. सो यू कैन डिवाइड होल इक्वेशन बाई एम डॉट एंड वॉट हैपन्स एट द एंड is that you can rewrite this equation in whichever form you like, but this form is useful because you now see this as, because in this process
हमने जितने भी एग्जांपल्स कल किए थे उसमें क्या हुआ था कि इरिवर्सिबिलिटी की वजह से क्या होता था, देयर वाज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. अब याद है ना, सो यहां पे यू कैन कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी ऑफ वाटर और फ्लूइड, एनी फ्लूइड. ठीक है, सो यू ई माइनस यू आई, क्योंकि यू आई कम होगा यू ई ज्यादा होगा, एंड दैट डिफरेंस कैन बी associated with or attributed to a decrease in this form of energy. अब इसको देखें, इसमें gravitational energy भी आ रही है, potential kinetic भी आ रही है, और ये flow energy भी आ रही है. ये सारे ऊपर अगर आप गौर करें, they are all forms of mechanical energy. So you can think of it as a decrease in. So the decrease in mechanical energy converted to an increase in internal energy. And now you can see why we say that it is irreversible. Okay, this is high quality energy. And this is low quality. अब ये वापस नहीं आ सकता, ये तो हो गया spontaneously, लेकिन अब ये वापस नहीं आ सकता. To convert this to back to this, you will need some work from outside. ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं. We need to simplify it further. हमने जो कि यहाँ पे गैस की बात नहीं की है, तो let's talk about liquids. और liquids आपको पता है वो incompressible होते हैं, incompressible mode. तो अगर उसमें आप ये कह रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि जो इनलेट और आउटलेट पे, इनलेट और एग्जिट पे क्या कॉन्स्टेंट होगा, अगर सेम होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्योंकि वो डेंसिटी, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही. कंप्रेसिबल का मतलब है कि इस दौरान ही कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं हो रहा. सो इफ यू अस्यूम वी आई एंड वी ई टू बी कॉन्स्टेंट द सेम, सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस सबस्क्रिप्ट, जस्ट कॉल इट वी. That we can be taken common, so then you will see Pi minus Pe. Okay, so you can rewrite this equation in a different form based on that simplification. Uska ek aur fayda bhi hoga ki aapko pata hai ki normally jab hum, when we don't assume anything about the compressibility, we just say m dot. So when you know that it is incompressible and V dot or density, sorry, V and density are constant. तो फिर दिस शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट. अब कह दे एम डॉट क्या फॉर्मूला था, यू नीड टू रिकॉल दैट एम डॉट वाज इक्वल टू रो ए वेलोसिटी. सो यू विल हैव दिस फॉर आई एंड इट फॉर ई. तो अगर मैं ये लिखता हूँ आई के लिए, और फिर इसको मैं लिखता हूँ किसके लिए. अब assuming vi equals ve means कि these two are also going to be the same, तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स इसको मैं हटा दूँ. तो इसका मतलब ये है कि ए वी विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. इसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट. ठीक है, तो अब देखो ना, अब ए तो कॉन्स्टेंट है, डायमीटर कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब ये है कि फॉर ए आई डोंट इवन नीड दिस सब्सक्रिप्ट. And by assumption, I don't need a subscript there. Yeah? So basically, velocity must also be the same. What's my leg? Sir, velocity will it not change because of the friction within the pipe? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि velocity अगर change नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Frictionless. Frictionless नहीं है ना, आप friction को velocity से क्यों mix कर रहे हैं? It's because the particle collide करेगा sir wall के साथ. तो obviously slow. नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा है ना difference. अब just try to see this statement ना. इस statement में हम ये कह रहे हैं कि जो internal energy change, जिसको हम irreversibility कहते हैं, इसकी reasons क्या हैं? A decrease in mechanical energy. और उसमें this was also one of the reasons. Now that reason will disappear. So now this internal energy increase comes only from the other terms. क्योंकि kinetic energy change नहीं हो रही. Kinetic energy change नहीं हो रही का इसका मतलब ये नहीं है कि friction नहीं है, लेकिन वो friction अब उसको नहीं छेड़ सकता. आवाज समझ आ रही? So you have a simpler form, और वो simpler form ये है. अब देखें, it's a simplification. और rearranging आपने कर दिया. You still have that increase in internal energy. Now it's easy to understand this. And that's a reasonable assumption. So, ये change in क्या हो गया? Decrease in potential energy, specific. और ये क्या है? Decrease in that PV term. V चूंकि constant है, so now we can see
that you have basically two drops, a drop in pressure and a drop in level. वो देख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो drop in level is responsible for the loss of potential energy and drop in pressure. So you see, so drop in pressure, drop in level, they're both and they are both high quality terms. They are translated an increase in internal energy which is low quality. अब यहाँ पे एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड वी कैन ओनली डू दिस बाय यूजिंग दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म, कि अब आपको पता चल गया है कि सारे टर्म्स जो है ना, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है ना. सो यू कैन एक्सप्रेस देम एज ए फैक्टर ऑफ एनी स्पेसिफिक एनर्जी, एंड वी नो यहाँ पे जो चीज कॉन्स्टेंट है वो क्या है, एजम्पशन के बाद वी स्क्वायर्ड ओवर टू है ना, specific kinetic energy. So what if I can express this as a factor of what? So now this delta U, yeah, but delta U nahi kehna chahiye, ye drop hai na. So I would like to write this as U. Entropy ki delta U, guess delta U. So delta U can be written as some factor times what? Main kya sakta hai nahi? This is specific energy, this is also. But this factor must not have any units. Because already same units. So if a natural thing, if you think about it, this should be true. Why? This raise in internal energy, which means drop in that high quality energy, should increase with length. Pipe jitna lamba hoga, utni zyada irreversibility. Aur diameter kya hai? डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो वो फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा. सो दिस एल ओवर डी इज कॉमन सेंस, ठीक है ना. एंड स्टिल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड द शेप, द प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो सारी चीजें मिला के ना यू विल स्टिल नीड अनदर फैक्टर, और वो क्या है, लेट्स कॉल दैट स्मॉल एफ. सर डी बड़ा होगा तो ड्रैग सरफेस बड़ी नहीं होगी. नहीं, वो फ्रिक्शन का इफेक्ट मिनिमम होगा ना. फ्रिक्शन का इफेक्ट आपको बताए, नैरो पाइप में ज्यादा होता है या वो लार्ज पाइप में ज्यादा होता है? हाँ, तो नैरो, इसका मतलब है कि डी जो आप इंक्रीज करेंगे, सो दिस द इरिवर्सिबिलिटी विल ड्रॉप, क्योंकि द डोमिनेंट पार्ट विल बी ए स्मूथ फ्लो. डी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो इरिवर्सिबिलिटी कम होगी, उसका इम्पैक्ट कम होगा. और एल क्या है, एल में यू आर गिविंग द इरिवर्सिबिलिटी मोर चांस टू इंपैक्ट द फ्लो. इट्स कॉमन, प्रिटी कॉमन सेंस. सी सी, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर, वी स्क्वायर रूट. अब अगर आप, इफ यू कैन रिकॉल बीएमई में आपको याद है हमने एक फॉर्म डिस्कस किया था कि आपको जो ड्रैग फोर्स था उसमें वी स्क्वायर डालते हैं, ड्रैग फोर्स में. This is actually the reason why you have that. क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी में वो फोर्स आएगा somehow. Energy can be related to work. तो वो जो ड्रैग फोर्स है, you now you can understand that. Let's understand reversible processes in more detail, although they are ideal. So there are two more examples for you to just understand what kind of assumption do we need to imagine a reversible process. For example, मैं simple pendulum की बात कर रहा हूँ. The simple pendulum, let's say cyclic form में जा रहा है, and you have a cycle, या you have a process. तो उसमें आप क्या-क्या assume करेंगे? क्योंकि यहाँ पे irreversibility का source है, वो क्या है? यहाँ पे friction है, यहाँ पे drag है, वो सारी चीजों को आपको ignore करना पड़ेगा. So you have to design this pendulum in such a way that you have less and less drag force, friction here and all these things. तो उसमें फिर क्या होगा कि दिस इज वन प्रोसेस एंड दिस इज द अपोजिट प्रोसेस एंड यू कैन ब्रिंग द सिस्टम बैक टू द एग्जैक्ट स्टेट, ठीक है ना. ये जो पुरानी घड़ियां होती है मस्जिदों में, वो चलती रहती है काफी काफी अरसा ना, उसमें हमने ये इंश्योर किया होता है, ठीक है. सो नियरली यू कैन मेक दिस प्रोसेस नियरली रिवर्सिबल. और दूसरा ये है कि दूसरा टिपिकल ये है कि इफ यू हैव अ गैस एंड सिलेंडर, सो इफ यू कैन मेक दिस, if you can minimize this friction, ठीक है, तो
तो अब आपके पास देखो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो यू कंप्रेस द गैस एंड मेक श्योर दैट इट इज डन विदाउट एनी हीट ट्रांसफर इंसुलेशन, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है वो रिवर्सिबल नहीं. So if you can compress the gas slowly, ठीक है ना, slowly का क्या मतलब है कि आप जब उसको रिवर्स करेंगे तो आप वापस अपनी जगह पे आ जाए ना. तो इस दौरान एक और चीज इंटरेस्टिंग, दोनों में स्लो का फायदा ये होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस एट ईच स्टेप द होल सिस्टम विल हैव द सेम प्रॉपर्टी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय इक्विलिब्रियम. तो फॉर एग्जांपल ये अगर आप तेज कर देंगे ना, फास्ट कर देंगे, तो यू कैनॉट इंश्योर कि इस गैस यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है ना. सो यू कैन ओनली इंश्योर, एंड इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है कि द होल सिस्टम एवरीवेयर मस्ट हैव द सेम प्रॉपर्टीज एवरीवेयर, दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन स्पेस. ठीक है ना, स्टेडी स्टेट इज डिफरेंट. स्टेडी स्टेट में तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है. वहाँ स्टेडी स्टेट में जो प्रॉपर्टीज है दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, बट इन इक्विलिब्रियम दे डोंट चेंज विद स्पेस. So, आप ये भी समझ आ जाएगी व्हाई डू वी इंसिस्ट ऑन स्लो प्रोसेसेस. सो दीज आर टू एग्जांपल्स. ठीक है, अब हमने एक बात और कर ली थी कि इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर ऑफ आवर इंटरेस्ट, क्योंकि एक्सटर्नली सराउंडिंग में कुछ ना कुछ होगा जरूर. ठीक है, सो इंटरनली रिवर्सिबल में आई मीन दिस इज जस्ट रिपीटेशन बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. An internally reversible process is one from which there are no irreversibilities within the system. There can be irreversibilities in the surrounding. And these examples actually help you imagine that in internal irreversibilities you can minimize how you can do it. Okay? Now here the thing that is interesting is this paragraph that we have to read. Okay, now we have two concepts. So I'm not talking about reversible process, I'm talking about internally reversible process. मुझे समझ लग गई कि अगर वो इरिवर्सिबिलिटी को मैंने निग्लेक्ट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो प्रोसेस स्लो हो, जो स्पॉन्टेनियस कोई चीज ना हो. फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान, तो मैंने दिया प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. देखो यहाँ पे यू डू नीड अ प्रेशर डिफरेंस टू कंप्रेस दिस, and you do need a pressure difference to expand this. Compression ke liye this, the pressure here must be larger than the pressure here, and opposite. So wo difference aapko kya karna hai, wo kam se kam rakhna hai. Kyun? Kyunki large ka matlab ye hai ki spontaneously hoga aur ek irreversible hoga. Same goes for if this was a thermal process jo humne start mein kiya tha na, thermal process wo jo main kehta hu, we need a large area and more time. More time means slow, so that the spontaneity is actually minimized. So in all these examples, as a result of this less and less spontaneous process, you ensure that at each stage the whole system is in some equilibrium. Kyun? Because the properties are the same everywhere. Agar wo change bhi hoti hai na, to wo aise change hoti hai ki har pure system mein property phir bhi same rehti hai. To gradually. To ab aapko koi process yaad aa raha hai? We had the exact same thing in the previous chapter. Isko hum kehte the quasi equilibrium process. उसमें भी हम यही बात करते थे कि आप इतना slowly एक process को execute करें कि at each point it is near some equilibrium. So now we have discovered the relationship between these two different, entirely different concepts. Quasi equilibrium process we know it from before. वहाँ पे हम आप कह रहे वहाँ पे हम irreversibility की बात ही नहीं कर रहे. और यहाँ पे हमने क्या सीखा है? So now you can say that if a process is internally reversible, it is the same as it is quasi. So they are just two names for the same thing. And this is something you need to remember. Okay? Although from this point onward, we will not use quasi equilibrium, we will use the name internally reversible, because in the following chapters, this is more sensible. But you must keep this in mind, that you are actually referring to quasi equilibrium. Achha, dusri baat hai ki ye cheez sirf thermal ke liye nahi hai. Ye sirf thermal dynamics mein nahi hai. ये आप बहुत पहले भी जिम करते रहे. फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिक्शनलेस पुली जाओ जिम करते हैं कि पुली क्या हो, फ्रिक्शनलेस हो. सो व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू इग्नोर? फ्रिक्शन. तो इरिवर्सिबिलिटी, तो बेसिकली यू वांट दिस टू बी इंटरनली रिवर्सिबल.
कि वो पूरी ऐसे जाती है ऐसे जाती है, सो यू कैन ब्रिंग द सिस्टम बैक इनटू द एग्जैक्ट सेम स्टेप, ठीक है ना, इंटरनल रिवर्सिबल. दूसरा एग्जांपल क्या है, जो रिजिड बॉडी है एंड मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है. इसी तरह स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास सिस्टम में आप वो इग्नोर करते हैं. इलेक्ट्रिकल के भी एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, क्या आप इग्नोर करेंगे सर्किट में, लॉस ऑफ ड्यू टू हीट प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सी प्रॉपर्टी आप इग्नोर करेंगे, इफ यू वांट दैट सर्किट टू बी, इफ ऑल द, इफ यू वांट ऑल द प्रोसेसेस इन दैट सर्किट टू बी इंटरनली रिवर्सिबल, रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस में जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता. सो इफ यू अस्यूम दैट सर्किट इज प्योरली इंडक्ट made of inductors and capacitors, ideal capacitor, so you are indirectly assuming internally reversible process. So ye koi nayi cheez nahi hai, matlab aapko laga ki nayi cheez hai, you have been doing this throughout your engineering courses. So now we have a new interpretation of Kelvin Planck's curve based on this new language. ठीक है ना, अब पता है कि वी लर्न दिस दैट वी डब्ल्यू साइकिल फॉर ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड इंटरेक्टिंग विद ए सिंगल थर्मल रिजर्वॉयर, ठीक है ना. सो कीप दैट इन माइंड, उसमें द वर्क प्रोड्यूस्ड इन द साइकिल हैज टू बी ईदर जीरो और नेगेटिव. नाउ वी कैन गिव मीनिंग टू बोथ. सो नेगेटिव मीन्स दैट you cannot produce work, work must be done on the system. So this means that in such case you will have internal error. Iski wajah se hota hai ki ye us, ab aap kyun hum keh rahe hain ki un internal irreversibility mein kya hoga, as a result of any process you will have an increase in internal energy. Wo increase in internal energy kahan se aayegi, it has to come from the surrounding, theek hai. So iska matlab ye hai ki work must be done on the system. That's why you have this negative sign. Or equal to zero, क्या मतलब है? No reversibility. Cyclic है ना? So बाहर से आपको कोई नहीं चाहिए. ठीक है? Delta U जब zero हो जाएगा, so you can always have an exchange of. तो आपको समझ आएगी वो R जब हम zero assume करते हैं circuit में, तो inductance और capacitance, they can just exchange energy with the source. तो अगर आपका source, अच्छा अब देखो ना, अब source, अब let's say circuit में आप ये अगर मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये इंडक्टेंस है और ये क्या है, और ये मेरा सोर्स है, ठीक है, और जैसे ये मेरा सिस्टम है. अब सोर्स से बाहर आ गया ना, इस पार्ट ऑफ द सराउंडिंग. नाउ देयर आर नो इंटरनल नो इरिवर्सिबिलिटी विद इन माय सिस्टम, सो दिस विल बी एन इंटरनल रिवर्सिबल, ठीक है ना, ऑल द प्रोसेस विल बी इंटरनल रिवर्सिबल. तो अब यहां पे चूंकि सराउंडिंग में है, तो यहां पे इरिवर्सिबिलिटीज होंगी, क्योंकि जो बैटरी के साथ आप कर रहे हैं वो रिवर्सिबल नहीं है. आप बैटरी को उस फॉर्म में नहीं ला सकते, लेकिन इन दो को आप हमेशा उस फॉर्म में ला सकते हैं. तो बस समझ आते. अब अगर मैं इसको सिस्टम मान लू, तो इज दिस इंटरनल रिवर्सिबल, जो उसमें उसके अंदर वो बैटरी आ रही है, तो बैटरी में तब पता है वहां पे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो वो फिर इंटरनली इरिवर्सिबल हो जाएगा. एंड आई लीव दिस टू यू टू अंडरस्टैंड दिस. ही ट्राइज टू जस्टिफाई दिस, बट आई डोंट थिंक यू नीड एनी जस्टिफिकेशन बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम्स. ठीक है, आपको पता है कि नेगेटिव का क्या मतलब है, इक्वल का क्या मतलब है. तो बेसिकली यहां पे ट्राई कर रहा है कि यानी फुली बी फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है. सो इवन विद अ सिंगल रिजर्वॉयर यू कैन डू दैट. फिर आपके पास जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो जीरो के अगेंस्ट नहीं है, वो पॉजिटिव के अगेंस्ट है. तो आपके पास जीरो आता है या नेगेटिव आता है, यू आर नॉट वायलेटिंग केल्विन प्लांक स्टेटमेंट. तो अब यहां पे बहुत आसान है, अगर ये पूरी फ्रिक्शनलेस है और सारी चीजें फ्रिक्शनलेस है, कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो यू विल गेट अ जीरो. एंड इफ यू हैव एनी ऑफ दोस इरिवर्सिबिलिटीज, देन यू विल गेट दैट नेगेटिव साइन एंड यू आर नॉट वायलेटिंग मैक्स प्लांक, सॉरी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट. अरे ये एक इंटरेस्टिंग, आपने कोई टीवी, कौन सा टीवी चैनल है जिसमें इस तरह की खबरें आती हैं? एक चैनल है ना, वो भूल गया उसका नाम,
डिस्कवरी, डिस्कवरी चैनल, तो उसमें आपने इस तरह की चीजें सुनी होगी कि दिस वाज एक्चुअली अ बिग न्यूज दैट यू हैव अ ग्लेडिएटर एंड इट्स कॉल्ड थर्मल ग्लाइडर डाइविंग. तो ये क्या करता है, इट इंटरैक्ट्स विद सी वाटर ओनली थर्मली. थर्मली क्या मतलब है कि इट एक्सप्लॉइट्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को अटैक करता है और इट गेट्स वर्क फ्रॉम दैट. यू कैन इमेजिन सम साइकिल, सम पावर साइकिल. और जब यहां पहुंच जाता है तो इसके बाद ये इट रिवर्सेस द प्रोसेस. अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया और वाटर का, ठीक है, देखो ये हॉट वार्म वाटर है और ये कोल्ड वाटर है. व्हेन यू गो डाउन द टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीजेस. तो यहां पे उस प्रोसेस को रिवर्स कर लेता है और यहां पे चला. और ये जो प्रोसेस है इट कैन गो फॉर वीक्स. जो खबर आई थी सेवन वीक्स. अब आप यहां पे बताएं कि अगर आप इसको लेट से इमेजिन करें आइडियल आइडियल सिनेरियो, तो दिस कैन गो ऑन फॉरएवर. सो आर यू वायलेटिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और नॉट, बताएं. व्हाई? बिकॉज़ हीट ट्रांसफर इज हाई टू डू वर्क. यू गेट वर्क ट्रांसफर. वर्क ट्रांसफर इज पॉजिटिव इन दिस केस. चल रहा है ना, यू गेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम हीट ट्रांसफर. तो केल्विन प्लैंक की अलाउ करता है. इसमें क्या, इसमें गड़बड़ है. द फैक्ट इज दैट इट इज नॉट वायलेटिंग केल्विन प्लैंक, क्योंकि केल्विन प्लैंक टॉक्स अबाउट, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर टू द कंडीशन. क्या कंडीशन थी उसमें? थर्मोडायनामिक साइकिल, नॉट एनी अदर साइकिल. सिस्टम ऑफ द, यू आर ओनली यूजिंग द थर्मल एनर्जी, यू ओनली हीट ट्रांसफर, नो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. बाहर से कोई आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह के ब्रिटिशन में आप बाहर से कॉल रिसीव करते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता. और दूसरा क्या है, यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद सिंगल रिजर्वायर. सो हियर यू हैव टू रिजर्वायर, यू हैव द सेम बॉडी ऑफ वाटर बट बिकॉज यू हैव टू टेम्परेचर्स, सो फ्रॉम द एंगल ऑफ थर्मोडायनामिक यू हैव टू रिजर्वायर. सो ये कंडीशन वायलेट हुई. दूसरी कंडीशन ये है कि ये जितना भी कुछ कर रहा है इसके अंदर बैटरीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना, उसने डिसाइड करना है कब क्या करना है. तो वो बैटरीज में जो एनर्जी है वो थर्मोडायनामिक से कर ली है. इट्स द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. सो यू हैव वायलेटेड बोथ. एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज समथिंग एल्स. देयर इज नो वायलेशन. नाउ हाउ डू यू अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू थर्मोडायनामिक साइकल्स? तो ये वैसे ये डिस्कशन बहुत जल्दी हो जाएगी, यू नो मोस्ट ऑफ द थ्योरी. हमने यहां पे सिर्फ एक चीज इंट्रोड्यूस करनी है कि व्हाट डज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मीन फॉर दिस सिस्टम, ठीक है. तो अब बताएं कि क्योंकि हमने स्टार्ट में भी ये बताया था कि वन ऑफ द गोल्स विल बी टू आइडेंटिफाई व्हाट द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो. तो अब पावर साइकिल में क्या होता है, यू स्पीक ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, वर्क डन divided by work done in the cycle divided by heat transfer into the system, you know, from the high temperature reservoir. So they got work done in the cycle and the heat transfer from the hot reservoir. And this is what you mean by thermal efficiency. So if you write in this form, now here, what is the maximum efficiency you can get? What is the maximum efficiency you can get? One should be. अब यहां पे वन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर क्यू सी विल बी जीरो और क्यू एच विल बी इनफिनिटी लार्ज. सो लेट्स गो फॉर द सिंपल वन. क्यू सी इज जीरो, क्या मतलब है? कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर विद द कोल्ड रिजर्वायर. सो बेसिकली देयर इज ओनली वन रिजर्वायर, सिंगल रिजर्वायर. So you will be violating which statement? Kelvin Plan statement. So setting QC is equal to zero is simply impossible. Because you are violating that. So this means that you should forget about, if you are speaking again, if you are speaking of thermodynamic cycles, you should forget about 100% efficiency, even in theory. Theoretically, it will be one possibility. Practically, it will be one possibility.
अब आपको समझ आएगी, जब हम जब इस चैप्टर में नहीं थे तो व्हाट वी हैड इन माइंड, द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वाज एन एफिशिएंसी ऑफ वन, लेकिन वो एफिशिएंसी थर्मल नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिस्टम को रिप्लेस कर दूं, अब क्या हमने पहले और भी सिस्टम पढ़े ना, टर्बाइन पढ़े ना, टर्बाइन में आप पता है विंड टर्बाइन या वाटर टर्बाइन में यू गेट दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें कोई हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, सो इट्स नॉट ए थर्मोडायनामिक्स लाइक दैट। तो टर्बाइन की एफिशिएंसी बेस्ट मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी क्या होगी, वन होगी, क्योंकि वो वहां पे ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी पावर प्लांट को रिप्लेस करें बाय थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग लेट्स से सम थर्मल मींस, इस तरह आप फ्यूल बर्न करते हैं, तो वहां पर ये लॉ होगा, ठीक हो गया। व्हाट वुड दिस मीन, सेटिंग क्यू there is also impossible, like you cannot have infinitely large heat transfer, there is simply impossible in this physical world. Like in this pure process mein humne jo bhi discussion ye ki hai, interesting baat ye hai ki is tarah we gave a general statement, this conclusion that is it is impossible to achieve 100% efficiency even in theory did not require to know about the substance used. आप जो भी मर्जी है सबसे यूज कर ले, जिस पर मिस्टर मिट्रो, फिर क्या है, इट डिडंट टेल द टाइप ऑफ प्रोसेसेस। आप जो मर्जी है प्रोसेस, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग ऑफ अ साइकिल, उस साइकिल में जितने भी, तो इट डजंट रिक्वायर टू नो द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, व्हिच अप्लाइज टू ऑल थर्मोडायनामिक साइकिल। लास्ट क्या है, it indicates whether the processes are actual processes or somehow idealized. ये basically वो concept है। You need for thermodynamic cycles, you need to, क्योंकि you need sustained work. Cycle क्यों चाहिए? आपको काम real world scenario में देखें ना, आप अगर किसी भी गाड़ी को देखें, power plant को देखें, आपको चाहिए, वो चाहिए ना, मतलब sustainable चाहिए ना। तो sustainable में आपको cycle चाहिए। साइकिल में आपको पता है सिंगल रिजर्वॉयर पॉसिबल नहीं है, तो यू विल ऑलवेज नीड टू रिजर्वॉयर। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि वी आर यूजिंग दिस साइकिल्स, ठीक है। सो ये हमारे पास कहाँ आता है, कहाँ से आता है, जो हम फ्यूल सोर्स यूज करते हैं, पेट्रोलियम या जो भी है, स्टीम वगैरह, ठीक है ना। वो अलग बात है कि स्टीम के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, लेकिन लेट्स से यू हैव दिस, और इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कोल्ड रिजर्वायर, आपके सामने क्या होता है, एयर ही होता है ना। आप इसके लिए बर्फ तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बर्फ के लिए दोबारा वर्क चाहिए, सो पर्पस डिफ्यूज रहता है। सो अब आप देखें, यू इन प्रैक्टिस यू आर यूजिंग द एटमॉस्फेयर व्हिच मीन द अर्थ एज योर कोल्ड रिजर्वायर, एंड यू आर यूजिंग दोस फ्यूल रिजर्व्स एज योर हॉट रिजर्वायर। सो एनीथिंग यू डू, ओके, यू डू गेट वाटर बिकॉज दैट इज योर गोल, गाड़ी आप चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन, क्योंकि ये आइडियली हम कहते हैं रिजर्वायर, हमारे आइडियल एजम्पशन में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन इन प्रैक्टिस वो चेंज होगा, ठीक है। दीज आर जस्ट मॉडल्स, सो नाउ यू कैन सी व्हाई दीज एनवायरमेंटल एजेंसीज आर पुटिंग पेनल्टी ऑन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो अब वो प्रेशर आ रहा है सब पे, पहले ये एशियन कंट्रीज अवॉइड कर रहे थे ना उस प्रेशर को, वो सारी पेनल्टी पड़ती थी जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, और ये चाइना, जापान वाले कहते थे कि हमारी तरफ नहीं, अब वो सारा प्रेशर इनकी तरफ आ गया है, नाउ दे हैव टू कंप्लाई। और हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया में वो वाले इंडस्ट्रीज हैं ना, हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो जो कि इस चीज़ को कॉज करती हैं। तो अब हमारा चूँकि वो वाला जो बजट है ना, जो मतलब हमारा नाम उसमें नीचे आता है, हम ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि अपनी वो जो सारी इन्वेस्टमेंट उसने की है वो उसको ज़्यादा नहीं करना चाहता, दे वांट टू गो ग्रीन, और सारी इंडस्ट्री को कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसको हम सी पैक बड़े फखर से कहते हैं कि वी डिड इट मैन, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, और हम उसमें फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हम उसमें अपना गन फिर भी मचाएंगे, मतलब इवन यू एक्सेप्ट दैट कि ठीक है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं,
उसके बाद भी हमें जो है ना अकल नहीं आती ना, उसके बाद भी हम बीच में अपनी चीज़ें तल कह लेंगे मुझे इतने पैसे दे दो बस उसको इतने दे दो, ठीक है ना। There are some other corollaries. Corollary पता है आपको ना? Corollary आपने use किया होगा ना, वो theorem जब पढ़ते थे मैट्रिक में. Consequences, ठीक है ना? You can prove them by using logic. Like you know, वो logic वाला part, मतलब this is not a theorem proving course. So you can do that if you are curious. But we will just use common sense, ठीक है ना? Some consequences which are called corollaries, or क्योंकि कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलर में ये है कि कॉन्सिक्वेंस इट मे और मे नॉट बी एक्सप्लेनेबल, इट मे और मे नॉट बी प्रूवेबल, बट इफ यू कैन प्रूव समथिंग मैथमेटिकली तो उसको आप कॉलर कहते हैं। तो टू कॉलरीज ऑफ सेकेंड लॉ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वो ये पढ़ रहे हैं, द थर्मल एफिशिएंसी, अभी हमने डिस्कशन किया ना हीटर का, ऑफ एन इररिवर्सिबल पावर साइकिल, पावर साइकिल था वी वॉन्टेड टू गेट वर्क फ्रॉम हीट ट्रांसफर, और इरिवर्सिबल की इसलिए बात हम कर रहे हैं कि रियली इरिवर्सिबल ये होगा, इज ऑलवेज लेस देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए, आई डोंट थिंक यू नीड टू प्रूव दिस, यू अंडरस्टैंड दिस नाउ बाय नाउ, क्योंकि आपको पता है वो सारी लॉजिक चला के आपको पता चल जाएगा कि इरिवर्सिबिलिटीज जिसमें है और जिसमें नहीं है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, वो मैक्सिमम जो है वो उसकी होगी, वो वन फिर भी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि वो जो मैं कह रहा हूं कि वो वन नहीं है, वो रिवर्सिबल के लिए भी वन नहीं हो सकता, ठीक है। सो अभी हम आगे आएंगे, ठीक है। व्हेन ईच ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टू थर्मल, तो आपने बेसिकली टू थर्मल रिजर्वायर बना दिए और उसमें आपने एक साइकिल लगा लिया रिवर्सिबल और दूसरा आपने लगा लिया इररिवर्सिबल, तो एज लॉन्ग एज यू नॉट चेंजिंग दिस टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन चेंज द एफिशिएंसी बाय चेंजिंग दिस टू रिजर्वायर्स, बट इफ यू आर नॉट चेंजिंग दैट एंड यू आर जस्ट चेंजिंग द साइकिल, वन इज रिवर्सिबल एंड द अदर इज इररिवर्सिबल, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, रिवर्सिबल, दिस इज अ कॉरोलरी व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। दूसरा क्या है, दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, ऑल रिवर्सिबल पावर साइकिल्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पावर साइकिल्स, all reversible power cycles operating between the same two thermal reservoirs, ab processes change kare lekin sare kya hai reversible hai, to un sab ki efficiency kya hogi, aur uski wajah kya hai, I am not going to prove it, ke the conclusions don't depend on the substance you use, on the type of process, it doesn't depend on the detail, to unme farq unhi details ka hoga, so this the second law thermodynamics doesn't care about that, and this is that logical proof if you want, okay, it's basically wahi hai ki pehle aap inko alag alag lete hain, fir aap unko overall statement lete ho, fir then you appeal to that kelvin planck statement, or end pe you come to the conclusion ki iski efficiency is zyada ho jayegi, basically you get more work in the case of this kind of punch line away hai ki from reversible cycles you can get more work compared to the irreversible cycles, and that translates to a larger frequency, but I'm not going to prove that. Now we can have the same discussion about the other types of cycles, like refrigeration cycle and heat pumps. उसमें भी ये discussion आप सकते हैं कि what are the limits on the coefficients of performance? तो आप limit क्या expect कर रहे थे? हमारे पास अब क्या है refrigeration cycle के लिए क्या था? Beta. तो beta को आप कैसे define करते हैं? Heat transfer from the cold reservoir. ये आपस की discussion ना हो, ठीक है? Heat transfer from the cold reservoir divided by the required work transfer into the system. ठीक है ना? Remember, W cycle has to be positive. लेकिन वो sign convention अभी use नहीं कर रहे, वो arrow use कर रहे हैं. So this is still work done on the system, even if it is positive, according to the convention of the arrows, not the sign convention. तो ये अगर आप इस पे गौर कर लें, इसमें भी इसकी normally आप क्या expect करेंगे कि इसका upper limit क्या होगा? You can decrease, or you can make these two equal, yeah. Or you can
you can increase this, no, sorry, you can in the best possible case, W cycle will be zero, so it will require no work basically, and this beta should be infinitely large. But this will be a violation of Kelvin-Planck statement again. So, iska matlab ye hua ke iska bhi ek upper limit hoga, wo it will be a finite value. Larger than one, to pehle bhi tab issue nahi hai. Yahan pe larger or smaller than one ka issue nahi hai. Or for heat pump cycle, you have this other formulation, same conclusion. So now we can state those two corollaries, or this is just a reminder that for both of these cycles, you will need to provide work from the surrounding for the heat transfer to be from the colder to the hotter. So I'm not going to go those proofs. I'm only discussing the corollaries. Those corollaries were for power cycles. Now we have the same corollaries for refrigeration and heat pump cycles. So ye interesting. It would be easy to understand because you knew it in the other form. Now, instead of thermal efficiency, you're speaking of coefficients of performance. So that coefficient of performance, whether it's beta or gamma, it will be larger for a reversible refrigerant cycle compared to an irreversible refrigerant cycle. क्यों? क्योंकि उसमें अब उसमें क्या है? Reversible में आपको जो work required है वो कम होगा और irreversible में work क्या होगा? ज़्यादा होगा. क्योंकि वो work cycle किसमें आता है? Denominator में आता है. So reversible case में you case. Denominator जो smaller हो जाता है तो you get a larger beta or larger gamma. Or reversible में because yes reversible में you get a smaller denominator. Irreversible में you require more work. So I'm now using common sense instead of those proofs. And you get a smaller coefficient of performance whether it's beta or gamma. Or niche kya hoga? You can guess it from that statement that all the reversible cycles, whether they're refrigeration cycles or heat pump cycles, they will have the same coefficient of performance if you do not change the pair of reservoirs. If they are operating between, so it doesn't depend on the details. You can have the same for heat pump cycle. अब ये environment वाली बात करना जो मैंने थोड़ी देर पहले discuss की थी कि अब अगर आप यहाँ पे देखें ये आपके पास city centers होते हैं जहाँ पे आपके पास ज़्यादा industries होती हैं, ठीक है ना? You can imagine Karachi, Lahore or even Islamabad to some extent. और ये वो सब urban areas हैं, city से बाहर हैं. और यहाँ पे आप temperature, surface temperature plot करें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उन इंडस्ट्रीज ने एटमोस्फेयर को यूज करना है एज देयर कोल्ड रिजर्वर. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो दिस बेसिकली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ये आप भी बता सकते हैं. नाउ अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू कितना टाइम हमारे पास अभी तो है. एज आई प्रॉमिस्ड यू दिस सेकंड लॉ विल आल्सो गिव अस a new meaning of what we mean by temperature. Ye discussion humne ki thi na. Although yesterday I tried to explain it in my own naive way, but that is not enough. That matlab I can convince myself, but that doesn't make it a complete explanation. ठीक है? आप भी बहुत सारे shortcuts student life में develop किए होंगे ना कि बस this works for me. Like in science that doesn't work. You need a foolproof understanding of temperature. तो Kelvin ने क्या किया? Kelvin actually gave a meaning to temperature, the absolute temperature. Okay. Both in K and Rankine, Kelvin dono mein, you absolute. Ab wo kya hai ki now we, based on the second law of thermodynamics, we can say something now. Abhi humne wo corollaries discuss kiye the na. Un corollaries mein humne yehi dekha tha ki agar aapke paas cycle, thermodynamic cycle kya hai, reversible hai. So whether it's a power cycle, whether it's a refrigeration cycle, or whether it's a heat pump cycle. इसमें हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस मेजर है ना, चाहे वो एफिशिएंसी है, चाहे वो बीटा है, चाहे वो गामा है, दैट विल ऑलवेज बी द सेम फॉर ऑल रिवर्सिबल साइकल्स. इट डजंट डिपेंड ऑन द रीजन. इट ओनली डिपेंड ऑन टू थिंग्स, दीज टू रिजर्वॉयर्स. बिकॉज इफ यू चेंज द रिजर्वॉयर्स, व्हिच मींस दैट इफ यू चेंज दोज टू टेम्परेचर्स, देन यू विल हैव अ डिफरेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. So, iska matlab ye hai ki, now this is a big statement which came from Mr. Kelvin. Usne kya kaha?
कि आप बताएं कि उन जितनी भी मेजर है ना, वो बीटा ईटा गैमा, उनका फॉर्मूला आप देखिए, उसमें दो ही क्वांटिटीज होती है, एक क्यू सी होता है और एक क्यू एच होता है, वो कोई ऊपर नीचे सबट्रैक्ट होता है। और क्यू सी एक रिजर्वर से इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू जी एच दूसरे के साथ, चूंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। और आपने देख लिया कि ये जो रेशो है, अगर आपको ये रेशो पता चल जाए क्यू सी ओवर क्यू एच और क्यू एच ओवर क्यू सी, तो अगर ये आप कर रहे हैं किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, सो दिस रेशो शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिटेल्स, इट शुड ओनली डिपेंड ऑन दोज टू रिजर्वायर्स। और उन रिजर्वायर्स की क्या कैरेक्टराइजेशन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम, हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ रिजर्वायर्स, यू जस्ट नीड वन प्रॉपर्टी, द टेंपरेचर। तो इसने यहाँ पे थीटा यूज किया है, लेकिन बेसिकली कैपेबिलिटी है कि हम इस कोर्स में थीटा किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो रिलेटिव के लिए सेल्सियस, तो यू शुड रीड दिस एस कैपिटल डी। सो आई कैन राइट दिस डाउन नाउ, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो, क्यू सी ओवर क्यू एच, बिकॉज दिस रेशियो इज ऑल यू नीड फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दोज एफिशिएंसीज, ठीक है ना। एंड इफ यू डू दिस फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, this should depend only on two temperatures, T C and T H, temperature of the cold reservoir and temperature of the, so it would be some function of two variables. I just give it a name, so let's call this function psi, okay. But this is not useful, because if you don't know psi, we cannot move on. So, Kelvin ने ये तो किसी भी के जहन में आ सकता था, Kelvin ने क्या किया, Kelvin ने यहाँ पे एक assumption कर दी, और वो assumption ऐसी है कि उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन बाद में नॉन फास्ट फॉरवर्डिंग, बाद में जो क्वांटम मैकेनिक्स वाली पार्टी आ गई, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स और ये जितने भी है, बाद में दे जस्टिफाइड कि ही वॉज करेक्ट, इवन दो ही हैड दैट ओनली हैज उसकी गट फीलिंग थी, जिसको हम हंच कहते हैं ना। सो अब हमारे इस कोर्स में पॉसिबल नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा अपना फील्ड नहीं है, आई डू नॉट बिलोंग टू दोस फिजिक्स कम्युनिटी, बट बिलीव मी एवरीथिंग केल्विन सेड आफ्टर दिस इज 100% राइट, एंड दिस इज द रिस्पेक्ट आई एम गिविंग दिस मैन, क्योंकि अगर ना ही हैड नो मैथमेटिक्स, ही डिडंट, उस टाइम पे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इवन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सो विदाउट एनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड, विदाउट एनी एनालिसिस, ही केम अप विद अ बोल्ड स्टेटमेंट व्हिच टर्नड आउट टू बी राइट। वो ये था कि दिस फंक्शन can be assumed to have a simple form. और वो ये था कि जिस तरह ये रेशो है ना, तो इस तरह ये भी रेशो होना चाहिए। तो if this is QC over QH, then this should be TC over TH. And he used this equation, so it is a special case of that psi. That psi can be anything, ना? Square, trigonometric function, सारे functions आप imagine कर सकते हैं. But he assumed that it should be of the same form. So, अब इसके बाद now we are ready to give temperature a meaning. So, चूंकि हमें already पता है कि हम temperature isolation में नहीं देखते, we are always talking about thermal. Now you go back to the zeroth law of thermodynamics. You define temperature as a property required to understand thermal equilibrium between two systems. ठीक है ना? Or if there is no equilibrium, there will be heat transfer between the two. So you claim that heat transfer must be because of this difference of some property which we call temperature. तो अब यहाँ पे वो क्या कहता है, उसमें से एक को reference ले लेता है। So let's say मैं इस T hot को क्या कर लेता हूँ, reference ले लेता हूँ, क्योंकि scale तो already है, Kelvin Celsius वो scales मौजूद थे, लेकिन meaning कोई नहीं थी ना, उसने वही understanding लेके जो इनमें से एक को उसने क्या कह दिया, 273.16. Remember, do not confuse this with 273.15 Kelvin. ये क्या है? ये वो है जो which corresponds to 0 degree Celsius. I'm not using equal sign. This is the ice point temperature. But if you replace this with 273.16 Kelvin, this is the temperature of the triple point of water. Okay, the triple point, yeah. जिसमें वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फेजेस एट द सेम टाइम। वो जो ये डायग्राम आप याद होगा,
सो इट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड सॉलिड एंड गैस एट द सेम टाइम. सो इसको कहते हैं QTP, ट्रिपल पॉइंट. आप अगर उस रिजर्वायर को ट्रिपल पॉइंट वाटर कर लें तो वहां से जो हीट ट्रांसफर आएगा वो क्यू हो जाएगा. ठीक है, तो एंड दिस टेम्परेचर, अब इस इक्वेशन में एक गलती आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज वन मिस्टेक इन दिस इक्वेशन. इसने यहां पे गड़बड़ की है, हालांकि नॉर्मली बुक नहीं करता है गड़बड़. इसका यूनिट क्या होगा सर? इसका नहीं होगा. और इसका यूनिट क्या होगा? केल्विन या रैंकिन. तो इसका यूनिट होना चाहिए. एंड वी नो 273.16 इज केल्विन, सो वो क्या आप करना चाहिए या टी बाई क्या आप करना चाहिए. सो रिमेंबर वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन क्योंकि आप डिफाइन करने में, स्केल डिफाइन करने में आप एक रेफरेंस ले लेते हैं. रेफरेंस आपने क्या ले लिया? ट्रिपल पॉइंट. ठीक है ना, वाटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. इसको हम फेज नहीं कह सकते, थ्री फेज इन्वॉल्व है ना. सो इट्स अ स्टेट व्हिच हैज थ्री एंड इट्स अ यूनिक स्टेट इन्वॉल्विंग थ्री फेजेस कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर. तो जो दूसरा टी है उसको आप टी कह देते हैं. एक को आप 273.16 केल्विन कहते हैं. And now you define temperature as this quantity. Now this is the meaning of temperature. Okay, आप just imagine thermodynamic cycle. उसमें से एक को आप triple point water in triple point के लिए उसका अपना temperature आपको पता है. तो he claimed that because you can measure this ratio experimentally, so you just measure this, you multiply by this number, and you get your temperature. Okay. So now it tells you the ratio. अब देखो ना, अब अगर temperature ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? High temperature क्या मतलब है? Let's say this temperature is larger than, अगर आप इसको इधर ले आएं, so if this temperature is larger than 273.16, तो क्या मतलब होगा? इन heat transfer में से कौन सा ज़्यादा होगा? Q ज़्यादा होगा. और अगर ये कम है, तो ज़्यादा होगा. So that's I think the best you can do. Now we have a better understanding of temperature, जो मैंने बताई थी. और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और वो ये है कि पीपल सी टेम्परेचर नाउ इज द एवरेज असल में वर्ड कैनेटिक यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कैनेटिक आप बोलते हैं वो माइक्रो स्केल स्केल होता है ना. एवरेज एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशन. मैं इंटरनल एनर्जी क्यों यूज नहीं कर रहा कि इंटरनल एनर्जी में बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो टेम्परेचर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. यहाँ पे आप उन सारे एनर्जीज को देखें जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हो सकते हैं. दे कैन ट्रांसलेट एज इन गैसेस, दे कैन वाइब्रेट एज इन सॉलिड्स, दे कैन रोटेट इन सॉलिड्स. ठीक है ना, वाइब्रेट. तो जितने भी मोशन आप इमेजिन कर सकते हैं, स्पिनिंग कर सकते हैं. ठीक है ना, तो उन सब की जो कम और एवरेज में क्यों कह रहा हूँ, इट्स पर पार्टिकल पर मॉलिक्यूल. तो दिस एनर्जी टेम्परेचर इज सीन एज अ मेजर ऑफ दैट एनर्जी, बट बिकॉज द यूनिट्स आर डिफरेंट यू नीड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दैट इज द बोल्ट्ज़मैन्स कांस्टेंट. तो दिस इक्वेशन हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड. दिस हैज वर्क्ड फॉर मोर देन 2 centuries एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वेशन. लेकिन आई थिंक आई सी दिस, वी विल यूज दिस. इसमें जो फर्क है वो बहुत मामूली फर्क है. ठीक है, वी विल स्टिल यूज दिस फॉर ऑल डिस्कशन इन दी इनकमिंग चैप्टर्स. अच्छा, इस इक्वेशन को हम एक और एंगल से भी देखना चाहते हैं. लेट्स गेट बैक टू दिस फॉर्म. यहां पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, सो इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक यू नाउ हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्परेचर, और ये सारा फजूल है? So did this discussion actually change your perception of temperature? Complete temperature की definition complete तब होती है when you can connect it to some concept. वो जो scale था ना, इसमें आप thermometer use कर रहे हैं, आप सिर्फ measurement कर रहे हैं without knowing what you are measuring. So here कोई भी definition complete तब होती है when you can relate it to other quantities. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप क्योंकि हमने QH और QC को
पॉजिटिव इसलिए लिया हुआ है कि हम वी आर नॉट यूजिंग द साइन कन्वेंशन, वी आर यूजिंग दोस एरोस। तो अगर मैं इस साइकिल के लिए एक और काम कर लूं, क्यू सी ओवर टी सी, और यहां मैं लिख दूं क्यू एच ओवर टी एच, दे आर इक्वल। अगर मैं इन में से एक को प्लस कर दूं और एक को माइनस कर दूं, ठीक है। अब ये माइनस मुझे इसलिए चाहिए कि मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा, रिमेंबर। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता तो ये भी प्लस होता, क्योंकि ये माइनस करके किस में आता, वो इसी में आता ना। आपको याद है साइकिल में अगर आप इस अगर ये आपका साइकिल है तो ये हॉट रिजर्वायर है टी एच, और क्या है तो दिस इज हीट एंटर द सिस्टम एंड दिस इज हीट लीविंग द सिस्टम। अब चूंकि एरो की वजह से हम उसको नेगेटिव नहीं कहते, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन आप यूज कर लें this will become positive, and let's say now I'm using sine convention. So basically the sum of this q over t terms, and let's say you calculate this as at different parts of the boundary, ye boundary mein ho raha hai, iski boundary dekh le to ye idhar ho raha hai, ye idhar ho raha hai. So you can now imagine a general system where these ratios can be calculated at different points of the boundary. You can imagine a scenario, अब बस सिस्टम है वो इंटरेक्ट कर रहा है सराउंड के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब क्या है वो कंट्रोल वॉल्यूम में वो जो वन डायमेंशनल मॉडल था, अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाउंड्री इमेजिन करें और हर पॉइंट पर आप कैलकुलेट करें कि वहां पे टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और वहां पे हीट ट्रांसफर क्या है। सो क्यू ओवर टी, क्यू ओवर टी, क्यू ओवर टी, इफ यू डू दैट अलोंग द बाउंड्री यू विल हैव अ सम ऑफ सच क्वांटिटीज ओवर अलोंग द बाउंड्री। सो मैं इंस्टेड ऑफ आई आई विल जस्ट राइट डी, डी फॉर द बाउंड्री, ठीक है, एंड आई सम दिस ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी, सो बी इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस शुड इक्वल व्हाट, 0, एंड नाउ दिस इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर और जस्ट नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस, क्योंकि यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी। ध्यान रखें कि q is not a property, ठीक है, w is not a property either, t is a property, but we found out because this statement is always true, q over t must be a property, जिस तरह हमने h को discover किया था ना, u plus pv, so now वो different था क्योंकि उसमें u pv तीनों properties थी, यहाँ पे एक property नहीं है, but in spite of that this behaves like a property, ठीक है ना? So this is exactly what we will call the entropy. The entropy नाम अब के सामने भी आ रहा है ना, वो भी आएगा, ठीक है? So and this will be a measure of basically irreversibility. मुझे entropy production की मैं बात कर रहा था। अब देखो ना, zero का मतलब ये है कि ये सब कुछ किसलिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? Reversible के लिए हो रहा है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एंट्रोपी प्रोड्यूस नहीं हो रही, एंट्रोपी सिर्फ एक्सचेंज हो रही है, बात समझ आ रही? कल भी मैंने इक्वेशन लिखा था ना एनर्जी बैलेंस का, लेट्स से यू वांट टू हैव एन इक्वेशन लाइक दैट फॉर एंट्रोपी एंड यू सी एंट्रोपी एज ए मेजर ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, सो इफ दिस सम इज जीरो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट दिस प्रोसेस और दिस साइकिल व्हाटएवर यू आर डूइंग इज इंटरनली रिवर्सिबल, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, जीरो कब आएगा, कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी, तो कुछ केस में एंट्रोपी विल बी लीविंग द सिस्टम, एंट्रोपी विल बी एंटरिंग द सिस्टम एंड द ओवरऑल इफेक्ट विल बी जीरो, बट इफ इट इज नॉट रिवर्सिबल, इफ द साइकिल इज नॉट रिवर्सिबल तो फिर ये जीरो नहीं होगा, देन दिस विल बी नॉन जीरो। So we are heading, और ये मैं skip कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये गैस थर्मामीटर ये मतलब इतना important नहीं है क्योंकि आगे topic ज़्यादा important है, और ये मैं इसलिए skip कर रहा हूँ ये 5.8.3 क्योंकि ये चीज़ outdated हो चुकी है। All this discussion is based on a conference which happened in 1990. तो इसके दौरान 2019 में एक conference हुआ है,
सिस्टम इंटरनेशनल और वो जो नेस्ट होता है, जितने भी बॉडीज है ना जो इन चीजों को देखती है, तीन चार बॉडीज है, दे डिक्लेयर्ड दैट ऑल द सेवन क्वांटिटीज, ऑल द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, एम्पेयर और केल्विन, मोल, किलोग्राम, दे विल ऑल बी डिफाइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे. देखिए अभी तक क्या हो रहा था, वो एक देख लेते हैं कि यार ये इस तरह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन ट्रिपल पॉइंट है, या वो जो पेरिस में एक पड़ा हुआ था बार, ठीक है, ये इसको हम किलोग्राम कहेंगे. वो कहते हैं ये कौन इसके पास आएगा वो चेक करेगा. सो दीज यूनिट शुड नॉट डिपेंड ऑन दीज फिजिकल थिंग, ठीक है. इट मस्ट बी डिफाइंड इन सच वे दैट एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड एनी लैब कैन रिप्रोड्यूस दोज रिजल्ट्स. सो फॉर दैट यू नीड डेफिनेशंस विच डू नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. These are different examples. So they redefined all the seven units in terms of constants of nature. Just the speed of light, Boltzmann constant. And for that to be possible, पहले ये क्या करते थे कि n को fix करते थे और उन constants की value इससे calculate करते थे, तो वो approximate हो जाती थी. उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो fundamentals हैं. If this nature is working, those constants must not change. So they defined those constants exactly by definition. The C की जो value आपको अजीब सी नजर आ रही है ना, 2.9 पता नहीं क्या, वो जो आपको बहुत ज़्यादा है. Now people see that as the exact value. पहले ये measure करते थे. So the process has changed. इसी तरह Boltzmann constant की जो value है ना, वो क्या है? It is that value is defined to be the value. So it's not an approximation anymore. And you don't even need to calculate. सिमिलरली क्या था, वो जो एवोगाड्रोज नंबर है, NA. तो वंस यू हैव ऑल द डिफरेंट कांस्टेंट्स, तो इसके बाद 2019 में इसमें जारी बात टेम्परेचर भी आता है, तो केल्विन की डेफिनेशन भी चेंज हो गया. वो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, वो निकल गया, बिकॉज दैट इज एन एग्जांपल. दे डिड नॉट लाइक एग्जांपल्स, ठीक है. सो मैं स्किप कर रहा हूँ इस पूरे सेशन को, ये सारी डिस्कशन रेलेवेंट है. अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिकॉज यू हैव डिस्कवर्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ q/q एंड t/t, सो नाउ यू कैन रीअसेस दोज मैक्सिमम पॉसिबल मेजर्स, परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द थ्री साइकल्स, पावर साइकिल, ठीक है ना, ईटा, बीटा, गैमा. तो अब उनकी वैल्यूज, इट्स अ क्विक डिस्कशन, यू विल रिप्लेस ऑल दोज बाय, क्योंकि जहां जहां पे QC/QH आ रहा है, अब और क्या करेंगे, PC/PH. अब इसको दोबारा डिस्कस करें कि दिस मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मोडायनामिक साइकिल हैज दिस वैल्यू एंड दिस कैन नॉट बी मेड वन, क्योंकि उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, यू इधर हैव एस्यूम TC=0 और TH=∞. TC=0 क्या मतलब हुआ, कि आप सराउंडिंग को किस में अज्यूम कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो का है, ये पॉसिबल है, तो फिर कोई एक्टिविटी भी नहीं होगा, फिर आप दुनिया को बिल्कुल फ्रीज कर दें. इफ दिस यूनिवर्स इज गोइंग टू वर्क, टीसी कैन नॉट बी इक्वल टू एवरीवेयर, ठीक है. क्योंकि उस जीरो को करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब वो अभी तक किसी ने जीरो को इंप्लीमेंट ही नहीं किया, लेकिन अगर आप उसके क्लोज जाते हैं, सो यू हैव टू यूज एक्स्ट्रा एनर्जी, तो आप थर्मोडायनामिक साइकिल की बात ही नहीं कर रहे. वी वॉन्ट टू स्पीक ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल, तो उसमें TC cannot be equal to zero. So इसको कहते हैं कार्नो एफिशिएंसी, क्योंकि दिस विल ऑलवेज जस्ट, यू जस्ट नीड टू नो टू टेम्परेचर्स. वंस यू नो द टू टेम्परेचर्स, यू विल नो द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है ना. थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल में चूंकि रिवर्सिबिलिटीज नहीं होंगी, इररिवर्सिबिलिटीज होंगी, तो द एक्चुअल एफिशिएंसी विल बी स्मॉलर देन दैट. एंड सेम गोस, और आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू, क्योंकि टीसी को आप कम नहीं कर सकते, यू कैन ट्राई टू इंक्रीज टीएच बाय यूजिंग बेटर एंड बेटर सिस्टम्स, बेस्ट रिजर्वायर्स. तो यू कैन इन थ्योरी यू कैन ट्राई टू मेक इट क्लोज टू वन, बट यू नो ये डिस्टेंस का मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक साइकिल में वन पॉसिबल नहीं है, इट हैज टू सेटल डाउन टू अ वैल्यू व्हिच इज स्मॉलर देन, देखो ये उसको रीच नहीं करेगा, तो सेटल टू अ वैल्यू. और यहां पे किस टाइप के क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिस्कशन से, और लेट्स से यू हैव पावर साइकिल,
So before the question, you imagine a power cycle, two reservoirs, work transfer. अब यहाँ पे चूंकि दोनों टेम्परेचर हमें गिवन होंगे ना, दोनों टेम्परेचर गिवन है, तो यूजिंग दिस टेम्परेचर व्हाट कैन यू डू, यू कैन कैलकुलेट दैट ईटा मैक्स व्हिच इज पॉसिबल थियोरेटिकली. अब हम इसको तीन एग्जांपल दिए हुए, लेट्स से थ्री साइकल्स है, एक में क्यू एच ये है और ईटा ये है, दूसरे में क्यू एच ये है, डब्ल्यू साइकिल ये है, तीसरे में क्यू एच ये है, क्यू ये है. इन तीनों के लिए ये आपसे पूछ रहा है कि इज दिस पॉसिबल और नॉट. क्वेश्चन का आंसर या ये पॉसिबल है या ये इम्पॉसिबल है, ठीक है. और यू कैन फ्रेज दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, इज दिस रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, ठीक है. तो अब अगर ये आपने कैलकुलेशन कर ली, मैं आपको वो ईटा मैक्स की वैल्यू बता रहा हूँ. ईटा मैक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, दैट टर्न्स आउट टू बी 0.8, बिकॉज यू नो द टेंपरेचर. अब पार्ट ए के लिए जो एफिशिएंसी हमारे पास आ रही है, कीप दिस इन माइंड, 80% पार्ट ए के लिए हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ रही है, बल्कि उसे दी हुई है 60%. तो इसे क्या मतलब है कि दिस इज ए पॉसिबल प्रोसेस, कि एफिशिएंसी इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम पॉसिबल. पार्ट बी के लिए क्या आ रहा है वो नहीं, हाँ ठीक, पार्ट बी के लिए क्या आ रहा है, 85% इज लार्जर देन ईटा मैक्स, सो दिस इज इम्पॉसिबल. अच्छा, इसको आप पॉसिबल तो कह रहे हैं, पॉसिबल तो आप इसको कह रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल है इररिवर्सिबल है, बताएं. रिकॉल दोस करोलरीज, टू करोलरीज, इररिवर्सिबल, क्योंकि ये इससे कम है इसकी वैल्यू, ठीक है. अगर इसकी इक्वल होता तो ये क्या होता, रिवर्सिबल होता. रिमेंबर दोस टू करोलरीज. और पार्ट सी के लिए क्या है, सो दिस इज theoretically possible and this is also reversible. So these are the types of questions which can arise. The same can be said about beta max and eta max. And you can have similar questions. Example अगर आप देखें उसी तरह की बात होती है, ठीक है. This is a refrigeration cycle. So you are spending energy to force heat transfer from a cold reservoir to हॉट रिजर्वायर, और इस दौरान जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आप वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, इज इट रिवर्सिबल, इज इट इररिवर्सिबल. एंड सेम गोज फॉर लेट्स से यू वांट टू इवैल्यूएट द हीट पंप परफॉर्मेंस, यू वांट टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेंपरेचर इन अ हाउस बाय यूजिंग सम हीट पंप, तो उसके लिए आपको पता है मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. इसमें यह बता रहा है कि अगर आप एनर्जी की कॉस्ट ये है, मतलब मिनिमम देखो ना, ये जो आपको डब्ल्यू साइकिल चाहिए, बेसिकली आप बिजली यूज कर रहे हैं ना, तो आप अगर एक दिन में, ये पूछ रहा है कि एक दिन में आप कितनी बिजली यूज करेंगे, कितनी एनर्जी आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल, तो वो एनर्जी आप बताएं क्विकली कि वो मिनिमम किस केस में होगी, किस केस में एनर्जी मिनिमम होगी, जब इस सारा क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, व्हेन यू इग्नोर ऑल द इररिवर्सिबिलिटी. So that will be the max, the minimum, not the maximum. The minimum क्योंकि work आप दे रहे हैं ना. This will be the minimum work needed in one day. ठीक है. और अगर आपको cost पता है कि per kilowatt hour cost ये है, तो this will also allow you to calculate the minimum cost, yeah, associated with heating of this house. अब जो practical value है, वो फिर इस energy से क्या होगी? ज्यादा होगी. यहां पे गैमा मैक्स का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में, सो दिस रेशियो विल गिव यू द एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड डब्ल्यू नो सॉरी 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 दिस रेशियो विल गिव यू द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया ना. प्रैक्टिकली में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. So the actual W cycle that will always be larger than or equal to. Okay. This question आपसे उसने ये मांगा है कि what is the minimum theoretical work input required? तो वो क्या है? 3.58 multiplied by 10 to 4 BTU per day. तो actual इससे ज़्यादा होगा. अच्छा, अब चूंकि सारी discussion कार्नो ने शुरू की थी,
बस इस साइकिल को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? रिमेंबर दिस चैप्टर विल बी क्वालिटेटिव, ये उस तरह से क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है? सो इसमें इवन अगर आप प्रॉब्लम भी इमेजिन कर सकते तो वो प्रॉब्लम वो होंगे जिसका ताल्लुक इन नए कॉन्सेप्ट से कम होगा और पुराने से ज्यादा होगा। अच्छा, कार्नो ने क्या किया कि क्योंकि ये सारी कैरोलरीज में ही स्पोक ऑफ साइकिल्स, तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ दैट साइकिल, हाउ दैट रिवर्सिबल। देखो ना, इफ द साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल, ऑल दिस डिस्कशन इज एप्लीकेबल। तो अब रिवर्सिबल की एक एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं यहां पे, इस डायग्राम से आपको बेहतर समझ आएगी। लेट्स से आई हैव फोर स्टेजेस और एक में मेरे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, तो इसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ये क्या है, हॉट रिजर्वायर, और ये क्या है? तो आप ये करें कि पहले स्टेज में इसको कंप्रेस करें विदाउट हीट ट्रांसफर, एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर क्या करें, हीट ट्रांसफर अलाउ करेंगे कि आपके पास ये है और ये एक्सपेंशन होगी, लेकिन ये चूंकि यू वॉन्ट इट टू बी रिवर्सिबल सो दिस मस्ट बी आइसोथर्मल। डिफरेंस अगर आपके टेम्परेचर का होगा तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये रिवर्सिबल होगा। सो दैट रिवर्सिबिलिटी रिक्वायर्स दिस प्रोसेस टू बी डन केयरफुली इंटरनली रिवर्सिबल, सो यू रिक्वायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वही होगा इसका है। फिर अब ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्रेस किया था साइकिल भी, क्या है आप उसको अनडू करें और फिर आप इसको भी अनडू करें, लेकिन इन दोनों फर्क है ये टेम्परेचर TH और क्या है। तो दिस इज हाउ ही इमेजिन दैट रिवर्सिबल साइकिल। सो अ कार्नो साइकिल विल ऑलवेज हैव टू प्रोसेसेस, टू थर्मल प्रोसेसेस एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस, ठीक है? और इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें हम इसको फिर एक्सपेंड करेंगे। अच्छा पहले 7 5 1 7 4 7 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